मोदी कैसे काम करते हैं और विरोधी कैसे काम करते हैं, मोदी वाला अलायंस कैसे चलता है, विरोधी अलायंस कैसे चलाते हैं, हम आपको बताते हैं। बंगलुरु में 26 मोदी विरोधियों की मीटिंग हुई, वहां सिर्फ 5 नेताओं के हाथ में ही माइक आया। ये 26 अलग अलग मोदी विरोधी गठबंधन थे, गठबंधन का हिस्सा बने दल थे। कांग्रेस के 2 नेता बोले, लेकिन नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश यादव और शरद पवार, किसी का नंबर नहीं आया। जबकि दिल्ली में 39 दलों की एनडीए की बैठक में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ऑडियंस में बैठे नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे तक एक एक नेता को सुना और खुद अपनी बात अंत में आखिर में रखी। तो क्या सिर्फ इंडिया नाम लगा लेने से विरोधी मोदी को हरा देंगे? समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 24 के लिए 26 दल, 56 नेता और 36 घंटे। मीटिंग से क्या निकला? सबसे पहले निकला एक नाम, इंडिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए जमा हुए 26 दलों के गठबंधन का नाम होगा इंडिया। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। 24 के चुनाव में विपक्ष का इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से लड़ेगा। बेंगलुरु से अभी बस एक नाम आया है, चुनाव का बाकी काम बाद में होगा, लेकिन प्रचार ऐसे हो रहा है मानो नरेंद्र मोदी इस जाल में फंस गए। जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता लिखते हैं चक दे इंडिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद लिखती हैं 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगा। नीतीश कुमार की पार्टी ने लिखा, विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया। सोशल मीडिया का बैरोमीटर माना जाने वाला ट्विटर ट्रेंड क्या है? ट्विटर पर आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस ट्रेंड हो रहा है। दरअसल 24 का चुनाव नए तरीके से, नए दोस्तों के साथ, नए दुश्मनों के खिलाफ नई स्ट्रेटजी बनाकर लड़ा जाएगा। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सबकी पहचान हो चुकी है, चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, दोनों तरफ मीटिंग भी हो गई है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा, हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। विपक्ष में सीक्वेंसिंग चेंज हुई है। अरविंद केजरीवाल अचानक सेकेंड रो से फर्स्ट रो में आ गए। ममता बनर्जी ने पहली बार लेफ्ट के नेताओं के नाम लिए और राहुल गांधी को फेवरेट बताया। उद्धव ठाकरे का नंबर शरद पवार से पहले आया।
लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। बेंगलुरु की मीटिंग पटना के मुकाबले ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखी। पटना में सब बोले, बेंगलुरु में सिर्फ 5 लोग बोले। यूपी की 80 सीटों को रिप्रेजेंट करने वाले अखिलेश यादव को माइक ही नहीं दिया गया। बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोले। शरद पवार और स्टालिन को मौका नहीं मिला। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे बोले, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया माइक मिलने का इंतजार ही करते रह गए। बेंगलुरु में नाम के अलावा 4 और बातें तय हो गई। विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। दिल्ली में विपक्ष का वॉर रूम बनेगा। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का सिलेक्शन मुंबई में होगा। हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। 25 दिन पहले यही सारे दल पटना में मिले थे, तो एक दूसरा नाम बाहर आया था, पीडीए, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया में आई और एन का होना सामान्य है। डी से डेमोक्रेटिक हो सकता था, लेकिन विपक्ष ने डेवलपमेंटल इसलिए चुना ताकि मोदी के विकासवाद का जवाब दिया जा सके। इंक्लूसिव को सेकुलर की जगह रखा गया है, इससे भी सबको साथ लेकर चलने का साउंड आता है। जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका। विपक्ष को नाम तो मिल गया, काम क्या होगा? नए नाम से क्या पुराने पाप धुल जाएंगे? कांग्रेस के जो नेता इंडिया नाम देखकर इतराए इतराए घूम रहे हैं, उनको अच्छी तरह याद होगा इसी कांग्रेस ने कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ के नारे के बाद भी इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एकजुट हुआ। विपक्षी नेताओं ने जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी के लिए जनता ने चंदा करके पैसा जमा किया। इंदिरा के खिलाफ जनता चुनाव लड़ी और इंदिरा हार गई। अगर नाम इंडिया रख लेने से ही जीत मिल जाती, तो 1977 में इंदिरा गांधी नहीं हारती। वही इंदिरा गांधी 1980 के चुनाव में इंडिया का नाम लिए बगैर 353 सीटें जीतकर वापस सत्ता में आई। और 1984 में राजीव गांधी ने 404 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया। बेंगलुरु में 26 दल मिले। दिल्ली में 38 दलों की मीटिंग हुई। बेंगलुरु में लीडर कई थे, दिल्ली में लीडर सिर्फ एक थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें नहीं जीती थी। 2019 में नरेंद्र मोदी ने छोटे दलों के वोट लिए और जीतने के बाद सबको दरकिनार कर दिया। मगर अब इंडिया का चैलेंज देखकर बीजेपी सबको जोड़ रही है। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने
एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। अलायंस अलायंस खेल रहे नेता सबसे पहले नंबर जोड़ते हैं। एंटी मोदी मोर्चा बनाने वाले नेता 37% वर्सेस 63% का नंबर दिखाते हैं। 37% वोट शेयर एनडीए का और 63% वोट शेयर इंडिया का। मोदी के विरोधियों को लगता है कि पार्टियां जोड़ लेने से 63% वोट इकट्ठा हो जाएगा और मोदी को हराना आसान हो जाएगा। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कोई बाइनरी पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, यहां 2+2 5 भी हो सकता है। कभी कभी 2+2 2 भी रह सकता है और कभी कभी 2+2 0 भी हो सकता है। यूपी में 2019 के सपा और बसपा के गठबंधन से बड़ा मैथ और क्या होगा। 12% यादव, 11% जाटव, 11% अन्य दलित और 19% मुसलमान। अगर ये मिल जाते तो अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन उत्तर प्रदेश स्वीप कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल वोट ट्रांसफर की मशीन, वोट ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी अब अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव या मायावती के पास बची ही नहीं। वोट ट्रांसफर की पावर बिहार में एलजेपी के पास है, मांझी की हम पार्टी के पास है, यूपी में निषाद पार्टी और राजभर की एसबीएसपी के पास है। एग्जाम्पल देख लीजिए, निषाद वोट अगर सपा के साथ जुड़ जाता है तो सपा गोरखपुर जीत जाती है। फूलपुर में निषाद वोट मिल जाते हैं, सपा फूलपुर सीट भी जीत लेती है। निषाद पार्टी के अलग होते ही सपा और बसपा साथ होने पर भी हार जाती है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी जब सपा के साथ मिल जाती है तो यूपी विधानसभा की 100 सीटों का समीकरण हिला देती है। एसबीएसपी का असर इतना है कि 2022 में गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली में हम लोग प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार बनवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सीट का सवाल नहीं है, सीट का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो था इशू का है कि समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में हिस्सेदारी मिले, लड़ाई इसी बात की ना, सब लोग लड़ते हैं। पिछली बार तो सीट के झगड़े को लेके ही आप अलग हो गए थे। सीट तो अपनी जगह था, लेकिन एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर झगड़ा था। माननीय गृह मंत्री जी 2 बार लखनऊ गए, मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई कि हो जाएगा, उन्हें नहीं हुआ तो चुनाव आया तो हमने सोचा कि दाव लगा में हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस दरअसल मैथ्स और केमिस्ट्री से मिलकर बनता है। मैथ्स में मोदी 90/100 का स्कोर करते हैं और केमिस्ट्री में मोदी का स्कोर परफेक्ट 100 का है। कोरियोग्राफी क्या होती है उसे इन तस्वीरों से समझिए। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मोदी का वेलकम करने के लिए जेपी नड्डा के साथ 4 नेता खड़े किए गए। बिहार में महादलितों के नेता जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलनीसामी और नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। इंडिया ऐसे बनता है, सिर्फ नाम रख लेने से इंडिया नहीं बनता। एक टॉरिंग पर्सनालिटी का प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, जिस प्रधानमंत्री के पैर छूता है दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, ये बिहार हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। और राष्ट्रीय मुद्दा पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर आज नरेंद्र मोदी जी का कोई शानी नहीं है। आज वो सरकार चला सकते हैं अपने दम पर, उनको अपने ही पार्टी में बहुमत है, लेकिन उनकी महानता है कि सब लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।